I'm joined by a teenager girl who has very bravely countered a senior IS officer, Harjot Kaur, and on the issue of women empowerment when the event was taking place at Maurya Hotel in Patna day before yesterday. The girl asked, why can't the government give subsidy and also free sanitary pads to the girls who belongs to the poor family? We have the girl with us. Let's have some words with her. Kya naam hai beta aapka? रिया कुमारी. क्या एज है और का कौन से क्लास में? 19 साल है. इस बार बी ए पार्ट वन का एग्जाम देकर टू में जाऊंगी. तो आप बताएंगे उस प्रोग्राम में आप गई थी, कौन लेके गया था, किस तरह का प्रोग्राम था वो? वो जैसे हम लोग का सेव द चिल्ड्रेन एक संस्था है, उनके द्वारा हम लोग गए थे. हम लोग को बोला गया था जाने के लिए, और जो प्रोग्राम था उसका नाम था सशक्त बेटी समृद्धि विहार. तो उस पर था कि हम लोग को जो भी बातें हैं वो हम लोग अपना रखने गए थे, और झगड़ा करने वहाँ हम लोग नहीं गए थे. और मैडम की कोई भी बात को हम लोग को बुरा नहीं लगा है, और जो भी हम लोग की समस्याएं थी वो हम लोग रखे वहाँ पे. तो मैडम क्या बोली नहीं बोली वो तो सब लोग सुने ही होंगे और टीवी पे भी देखे होंगे. हम तो आपके मुंह से फिर से सुनना चाहते हैं, आपने क्या डिमांड रखा था उनके सामने और क्या ज़रूरत पड़ी थी इस तरह की डिमांड रखने की? सर, जैसे कि बहुत लोग जो होते हैं गरीब होते हैं, तो वो लोग जैसे अब बहुत पहले तो हम लोग को पता नहीं था कि सैनिटरी पैड क्या होती है नहीं होती है. हम लोग तो बहुत पहले यूज भी नहीं करते थे तो पता ही नहीं था. लेकिन जैसे ही पता चला कि इसका क्या फ़ायदा है क्या है, तो सब लोग अब वही यूज करते हैं. तो इसके लिए भी तो पैसा लगता है ना. मान लीजिए अब जो असलम बस्ती के लोग हैं हम लोग जैसे, तो वो लोग तो मतलब नहीं ना खरीद पाएंगे. अब 30 रुपये का भी देता है, 40 का भी देता है. तो फिर सरकार तो हम लोग को सारी सुविधाएं दे ही रही हैं, जैसे छात्रवृत्ति हो गई, फिर बीए में फर्स्ट आने पे 50,000, इंटर में फर्स्ट आने के लिए 25,000. तो वही हम लोग का डिमांड था कि वो भी स्कूल में सरकार कर देते तो बहुत अच्छा होता. तो मैडम ने क्या रिप्लाई किया आपने जब कहा कि आप लोग इसे भी क्यों नहीं फ्री कर सकते हैं? तो मैडम का क्या रिप्लाई था और आप लोगों ने किस तरह से उस रिप्लाई को लिया? मैडम का रिप्लाई था कि क्या मैं जींस भी कल को बोलोगी तो जींस दूंगी, अच्छा जूते दूंगी. मैडम का रिप्लाई यही था और भी बहुत सारी. आप लोग को बुरा लगा सुन के? फिर नहीं, बुरा नहीं लगा, क्योंकि हम लोग तो अपना बात को रखने के लिए हर एक जगह पे जाते हैं. जैसे तेज प्रताप यादव के घर पे भी हम लोग गए थे, फिर जो नितिन नवीन हैं जी हैं उनके पास भी गए थे. तो हम लोग अपनी समस्याओं को हर एक जगह पे रखते हैं, और इनको हेल्प करना होगा तो करेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे. आपको नहीं लगता वो काफ़ी सीनियर आईएएस ऑफिसर थी, उनको इस तरह से आपको जवाब नहीं देना चाहिए था? हाँ. या फिर कुछ बेहतर तरीके से अपनी बात को वो जवाब दे सकती थी? हाँ, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, बोली भी तो सब सही बोली, लेकिन ऐसे नहीं बोलना चाहिए. बुरा तो लगा है, लेकिन सब लोग भी तो सुने हैं ना, मतलब पूरा भी तो पूरा लोग थे वहाँ पे. तो इस बात पे मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, मैडम का बात पे वो सब लोग जानती हैं, सब लोग वीडियो भी देखी होंगी. तो अब ये बात मैडम का कहना है कि उनके बातों को गलत तरीके से लिया गया. वो चाहती थी कि जो लड़कियाँ हैं स्लम्स में या फिर गरीब परिवार में वो अपने पैरों पर खड़ी हों, वो उनका ये उद्देश्य था कहना, ये उनका कहना है. तो इसको कैसे देखती हैं आप? आपको लगा कहीं पे भी कि वो ऐसा सही में चाहती हैं, या फिर उनका एक एरोगेंस जो कहते हैं वो एरोगेंस दिख रहा था? नहीं, ऐसे तो मैडम हर लोग का बात का मैडम जवाब दी हैं. जितने भी लोग हम लोग थे हर लोग का बात को मैडम अच्छा से रिप्लाई दी हैं. लेकिन शायद उनका सबका नज़रिया मतलब थोड़ा सा हो जाता है ना, जैसे अब हम ये उंगली दिखा रहे हैं एग्जाम्पल में, तो अब आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि ये उंगली दिखा रही है तो शायद किसी को धमका रही है. फिर ये भी सोच सकते हैं कि नहीं भाई, उंगली दिखा रही है वो तो शायद वो इसके बारे में कोई अच्छा बात बताना चाह रही हो, कोई अच्छा इशारा देखकर. तो हम लोग तो वही बात है कि मैडम का बात कहने का जो भी मतलब हो, अब सोचने वाले या समझने वाले तो बहुत. पॉलिटिशियंस के बारे में आपने बात किया कि वोट मांगने आते हैं, तो उस पर भी उनका रिप्लाई था कि पाकिस्तान बन जाओ फिर. नहीं, तो वो तो गलत बात है, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान क्यों जाएंगे. और प्लस में वो जिस तरह का बात था उस पर सब लोग रिप्लाई दी हैं, तो कोई भी हम लोग का जितना भी बात है हम लोग रखे वहाँ पे. अब जो मैडम को सही लगा वो मैडम बोली,
लेकिन वोट वाला तो बात सही है, सही ही है। जैसे अब मान लीजिए वोट का समय होता है तो बहुत लोग आते हैं 5 लाख 6 लाख इन्वेस्ट करते हैं उस पर, तो क्या वो चीज़ अच्छा कामों के लिए नहीं यूज कर सकते हैं? जैसे बहुत लोग खिलाते हैं, कितना लोग पैसा भी दे देते हैं कि मेरे पार्टी में देना, ये देना, वो देना, तो वो तो अधिकार, खैर हम लोग तो वोट अभी देते नहीं हैं, लेकिन क्या हम लोग वोट देंगे तभी हम लोग का समस्या का समाधान होगा? वैसे नहीं हो सकता है। जैसे बिना वोट दिए हुए हम लोग का डिमांड पूरा नहीं होगा। वोट तो जो 18+ रहती हैं वही लोग देते हैं। मैडम ने ये भी बात कही है कि फ्रीबीज, मतलब जो जो मुफ्त का सामान है उसकी आदत हमें पड़ गई है, वो आदत जो है वो गलत है। और इसी पे ही उन्होंने ये कहा था कि कल को जींस मांगोगे और कल को बाकी चीज़ें की मांग होगी, तो ये आदत बुरी है, उनका स्टेटमेंट था। तो आपको क्यों लगता है कि सैनिटरी पैड्स को फ्री कर देना चाहिए? देखिए ऐसे हम जैसे कि मान लीजिए सरकार तो बहुत कुछ फ्री दे रही है ना, जैसे बहुत सारे जगहों पे क्या एग्जाम्पल में ले लीजिए, जब शादी ही होता है तो 50,000 पैसा भी मिलती है। बहुत सारे ऐसे योजनाएं निकाले हैं जो कि फ्री में बहुत सारे पैसे मिलते हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल से सरकार को ये भी सारा बंद कर देना चाहिए। जब 20-30 रुपया के लिए इतना सवाल जवाब हो रहा है तो फिर जो 50,000-1 लाख मिला जाते हैं वो सब तो बंद कर देना चाहिए। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बहुत सारा ये नाम दिए हैं, जैसे 8th-9th में जाने के बाद साइकिल का पैसा, फिर मैट्रिक फर्स्ट लाने पे 15-20 जो भी मिलते हैं बहुत सारे, फिर इंटर के बाद 25,000 मिलता है, फिर बीए के बाद 50, तो सरकार को सब योजनाएं बंद कर देना चाहिए। हम लोग अगर अपना पैर पे ही सब कुछ कर लेते तो क्या 20-30 रुपया के लिए यहाँ जाते? सिर्फ मेरा बात नहीं ना है ये, मान लीजिए हम 30 रुपया का ये ले लिए स्नैपरी पैड ले लिए, लेकिन मेरे जैसी जैसी हज़ारों लड़की है वो कहाँ से लेगी? जैसे और लोग को देखते हैं कि शायद उनके पास जो महीना में 50,000 कमाते होंगे, उनका 5 बच्चा रहता है, घर परिवार को देखना रहता है, जो खाना खाएंगे कि अपना स्नैपरी पैड लेंगे। अच्छा, तो फिर आप क्या डिमांड करते हैं या अपनी क्या बात रखना चाहते हैं मैडम के पास? मैडम काफ़ी सीनियर हैं, आप उनके लिए अगर वो उनके सामने आप होती तो आप क्या कहते? हम मैडम को वही बोलना चाहेंगे कि मैडम आप जो भी बोली हैं हम लोग को बुरा नहीं लगा है, एंड नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिले तो फिर हम लोग मिलेंगे आपके साथ अगला सवाल जवाब के साथ। फिर और एक क्या डिमांड होगा गवर्नमेंट से और हेल्थ डिपार्टमेंट से, क्योंकि और वुमेन चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट का ये चीज़ है, इनके हाथ में है और सरकार के हाथ में है इस तरह की चीज़ें, तो आप क्या कहेंगे इनको? हम वही कहेंगे कि जितने भी मतलब लड़कियां हैं या महिलाएं हैं वो लोग को अगर जैसे बहुत सारे ऐसे, तो मेन पॉइंट हम लोग का था लड़कियों के ही विषय में बात करना, तो लड़कियां में जैसे लेडीज़ लोग भी आती हैं वो, तो इनके लिए भी कहना चाहेंगे कि सरकार को पहली बात कि ये घर घर सुविधा दे देना चाहिए ये स्नैपरी पैड के बारे में, और हम लोग का जो भी बात है वो सरकार तक पहुंच जाए कि जो और लड़कियों लोग और जो लोग थी वो लोग का भी डिमांड था कि सरकार वोट मांगने आती है। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि ये जो मैडम है इस तरह की बात बोली कि हमको खुद की पैर पे खड़ा होना चाहिए, तो वो मैडम की बात अच्छी है कि हम लोग को वो अपना शायद पैर पे खड़ा रहने की बात कही होंगी। अब गलत सोचेंगे तो गलत मतलब निकलेगा, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा निकलेगा, तो इसीलिए मैडम से कहना चाहूँगी कि फिर हम मिलेंगे मैम, अगर ऐसा मौका मिला तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस बार शायद हम ये बोलना चाहेंगे कि जो इस बार अपना बात को तो एक ही बात में उलझा कर हम लोग भी इधर से उधर लग रहा था कि लड़ाई हो रहा है, लेकिन लड़ाई करने हम लोग नहीं गए थे, अपनी बातों को रखने गए थे, तो दूसरा बार जब मिलेंगे तो आप ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुने और समझें।